हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आप लोगों के लिए। रीडिंग जनरल है, ऑल जेंडर्स है, ऑल साइंस की रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, आप जो भी चाहे इस रीडिंग को देख सकता है। आप इसको मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। ओके, सो पॉजिटिव रहें। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं जब कोई रीडिंग अपलोड करूं सबसे पहले वो रीडिंग आप लोगों को मिले। सो गाइज, अपने पर्सन पे फोकस रखें। सो मैं देखूंगी, सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी। ठीक है, इस टाइम एनर्जी क्या है ये देखेंगे सबसे पहले, आपके इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ओके, मैं इंट्यूटिवली यहाँ पे सिक्स कार्ड्स जो है वो लूँगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके गाइस, सो बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी, ये भी मैं लूँगी। इस टाइम आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हैं, अगर नहीं है तो उनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आई स्ट्रॉन्गली फील कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फील हो रहा था। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं और क्या है। एंगर, सो आई थिंक आप दोनों के दरमियान एंगर इश्यूज़ हैं। आप भी एंग्री हो अपने पर्सन से और आपके ये पार्टनर भी आप लोगों से एंग्री हैं, एक दूसरे से नाराज। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली आप दोनों एंग्री हो एक दूसरे से तो बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन तो है ही है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है। अगर आपके पर्सन से आपकी बात होती भी होगी तो लाइक ना होने के बराबर है, साइलेंट है, आप दोनों ही खामोश हो। ठीक है, बात नहीं हो रही ऑब्वियसली, पैशन बट पैशनेट तो हैं। ठीक है, पैशन तो आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशन तो काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हो, बट एंग्री भी हो और साइलेंट ट्रीटमेंट एक दूसरे को आप लोग दे रहे हो। लव, लव भी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पे एनर्जी है। लव भी फील करते हो एक दूसरे के लिए, पैशन भी फील करते हो, और जहाँ प्यार होता है वहीं पर नाराज़गी भी होती है, ये भी तो है, बट एंग्री भी हो एक दूसरे से, बात भी नहीं कर रहे, खामोश हो। मुझे लगता है आप उनका वेट कर रहे हो, वो पहले बात करें, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप लोग बात स्टार्ट करो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये सिचुएशन फील हो रही है, सो मुझे बताइएगा अगर ऐसा है तो। आप उनका वेट कर रहे हो और वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप बात स्टार्ट करो, आप कहते हो कि वो बात स्टार्ट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ईगो में हो दोनों ही। ट्रू लव गाइस, डबल कन्फर्मेशन, लव एंड ट्रू लव, सो ये आपके ट्रू लवर हैं। ठीक है, ट्रू लव है, आप इस पर्सन से ट्रू लव करते हो और ये आपके पार्टनर भी आप लोगों से ट्रू लव करते हैं। डेफिनेटली ये सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट करेगी आपके ट्रू लव हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका, इस पर्सन से बात नहीं हो रही, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, इस पर्सन की लव है, पैशन है। ओके, इंट्यूशन, सो ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है ये पर्सन भी और आप लोग भी। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ खामोश रह के साइलेंट ट्रीटमेंट से अपनी इंट्यूशन को ये पर्सन सुनने की कोशिश कर रहा है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं खामोश रह के लाइक अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ये भी जो है साइन है। इस टाइम रेस्टिंग पोजिशन पे है आप दोनों का ये रिलेशनशिप, आप लोग भी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है अपने आप को अलाइन कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, इस पर्सन की भी मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। चलें देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर्स की आपके लिए। सो डिवाइन गाइड करें, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। ये कार्ड भी काफ़ी उड़ रहा है, ये भी लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए।
व्हील ऑफ फॉर्चून एंड रिवर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस टाइम क्या फील कर रहे हैं डिवाइन, मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग है, मेरे रिवर्स के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं इस टाइम उनके लिए, ये कार्ड आ रहा है मैं लूँगी। द मून पाइसिस, मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग है। फाइव ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, मेरे रिवर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। दोनों कार्ड लूंगी मैं। फाइव ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, ये पर्सन अपने इंट्यूशन सुन रहा है या आप लोग इंट्यूशन सुन रहे हो, ठीक है, इंट्यूटिव हो सकते हो आप लोग काफी। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए इस टाइम। नाइट ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, एस ऑफ वैंड्स एरिस लियो सैजिटेरियस, वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज मैं मैं यहाँ पे कार्ड जो है ये अरेंज कर लूँ। ओके गाइज, सो आई होप आपको अब कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके गाइज, मैंने आपको स्टार साइन बता दिया। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ तो आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेसिव है बिकॉज आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ तो ये पर्सन अपनी फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहा है, अपने फ्यूचर को सेटल करने के लिए काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन आप लोगों के साथ भी आपके साथ भी इस रिलेशनशिप पे ये पर्सन वर्क करना चाहता है बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स का काम यहाँ पे कार्ड है। बट यहाँ पे थ्री ऑफ स्वॉर्ड आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इस पर्सन ने आपको जो है बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है, आपको बैटरीऑल किया है। यहाँ पे एनर्जी है हार्ट ब्रोक की एनर्जी है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। हो सकता है आपने सोशल मीडिया से भी एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है गाइस बिकॉज फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन का ब्रेकअप सिचुएशन है, ये पर्सन इस टाइम बिल्कुल अनहैप्पी है। इस पर्सन को रात को नींद भी नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा सोचता है, गिल्ट है। गिल्ट किस चीज़ का है, आपके साथ इस पर्सन ने अच्छा नहीं किया या आपकी वजह से इस पर्सन ने छोड़ दिया, आपकी वजह से नहीं बल्कि इस पर्सन ने किसी की वजह से, थर्ड पार्टी, जैसे यहाँ पे आया है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है, ठीक है। इस पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली इश्यूज की वजह से भी आप लोगों को इस पर्सन ने छोड़ा है, थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है। थर्ड पार्टी ये मैरिड हो सकता है, इसकी फैमिली है, मदर है, कुछ भी हो सकता है, इसका काम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन मैरिड भी है। आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है ये पर्सन मैरिड है और इस पर्सन के बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आप लोग काफ़ी सैड हो, लेकिन ये पर्सन इस टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव है, इस पर्सन ने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, सीक्रेटिव नेचर है इस पर्सन की, लेकिन इस पर्सन ने जो चीज़ें छुपाई हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों के लिए खुलेंगी। ये पर्सन इस टाइम अपनी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, जहाँ ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन का आ सकता है, ये पर्सन आपसे अपोलॉजी के लिए भी मैसेज कर सकता है बिकॉज ये पर्सन के अंदर कुछ ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, बट ये पर्सन आपकी तरफ तो आना चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इस टाइम किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, मदर इश्यूज़ भी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी इस पर्सन की मदर है, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन की मदर एग्री नहीं कर रही थी आप लोगों के साथ शादी के लिए, या आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप सिचुएशन हुआ। इस पर्सन की मदर ने इसको रोका है, इसकी पर्सन की मदर ने हो सकता है इसको मैनिपुलेट भी किया हो। देखें मेरे वर्ड्स किस तरह आप लोग देख रहे हैं, मुझसे सही बोला नहीं जा रहा, मेरे वर्ड्स अटक रहे हैं। तो आई थिंक इस पर्सन को कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, ये पर्सन इस टाइम काफ़ी कंफ्यूज है, काफ़ी डरा हुआ है, फेयर है किसी चीज़ का इस पर्सन को, बट ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है बिकॉज ये पर्सन सक्सेस होना चाहता है, विक्ट्री चाहता है इस कनेक्शन में आपके साथ, शादी करके आपको ऑफर भी करना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, एज में आपसे छोटा हो सकता है, एंड आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है बेसिकली ये पर्सन आपके साथ इस टाइम, ठीक है, बिकॉज ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है और चाहता है डिवाइन इसका साथ दे। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया इसका घूमे और इसका आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, हैप्पी फैमिली आपके साथ गुजारना चाहता है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं गाइज। इस पर्सन के इमोशंस जो हैं
ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइक कभी इस पर्सन के इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो होते हैं। इन एंड आउट सिचुएशन भी हो सकता है आपके कुछ के पार्टनर्स की आपके साथ हो, बट इस टाइम ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में टोटली अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिल्ट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एन्जाइटी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी है मुझे फील हो रही है गाइस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन को रात को नींद नहीं आती, आप लोग देख सकते हैं कैसे परेशान है, और ये लड़की यहाँ बैठी है, रात को नहीं सोता ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा रात को सोचते आपके बारे में, बिकॉज यहाँ पे द मून भी है। ये पर्सन रात को बहुत ओवर थिंक करता है आप लोगों के इस कनेक्शन को लेके, मिस्टीरियस है चीज़ें, काफ़ी इस पर्सन ने छुपाई हैं आप लोगों से, डिसेप्शन है, धोखा है, झूठ है, बहुत ये एनर्जी हैवी है यहाँ पे। मुझे बताइएगा अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया, आपको डिसेप्शन किया है, सीक्रेटिव है, चीज़ें छुपाई हैं, झूठ बोला है, मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर आपसे रेजोनेट किया ये तो। बट ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है, अपना लव ऑफर करना चाहता है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे जो है बढ़ाना चाहता है, ठीक है, आपको प्रपोज करना चाहता है। यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स है, देखते हैं आप कैसे ये उसको फूल जो है दे रही है लड़की, इस तरह आपके ये पर्सन जो है आपको प्रपोज करना चाहता है और लोगों को बताना चाहता है लाइक कि आपके साथ बाउंड स्ट्रोंग करके, आपके साथ शादी करके, शायद उन लोगों को दिखाना चाहता है ये पर्सन, आई डोंट नो मुझे किसके लिए मैसेज आ रहा है, शायद ये उन लोगों को दिखाना चाहता है जो अब तक आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में हर्डल क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों को शायद ये दिखाना चाहता है। चलो यहाँ से देखती हूँ मैं इस पर्सन की, आप लोगों के लिए क्या करंट एनर्जी है, क्या करंट फीलिंग है इस पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए क्या करंट एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहता है बिकॉज मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग है इस टाइम, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए। ये पर्सन वेट कर रहा है डिवाइन का कि यूनिवर्स इसका साथ दे, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने सरेंडर किया हुआ इस टाइम, बट प्रेजेंट में मुझे ये पर्सन खुश नज़र नहीं आ रहा, फैमिली बनाना चाहता है, फ्यूचर का ये पर्सन सोच रहा है। यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शन गाइज, ये कार्ड बहुत रेयर आता है रीडिंग में, आई थिंक मेरी रीडिंग में सबसे पहले आई थिंक फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन। सो ये पर्सन आपके साथ ये कनेक्शन फील करता है केयरिंग, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 415 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन चेंज चाहता है रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है बेसिकली ये पर्सन आपके और इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में, केयरिंग कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग फील करता है, केयरिंग कनेक्शन है गाइस, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत अमेजिंग। और देखती हूँ मैं क्या इस पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस टाइम, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। फॉर हैप्पी फैमिली गाइज, मैं आप क्या बोलूँ, इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, आई डोंट नो आप किसकी एनर्जी आ रही है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एनर्जी, बहुत ज़्यादा, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन यू, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, ठीक है। नीचे भी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और यहाँ पे भी ये हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है, बैक टू बैक पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। डबल फोर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 415 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, चेंज आता है ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की टाइम, उनके लिए क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट एनर्जी है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए, डिवाइन गाइड करें प्लीज। 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, सो आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप लोग मेरे व्यूअर्स जो आप गर्ल फीमेल देख रहे हो इस टाइम, आप लोग इस टाइम अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो, ठीक है, आप लोग चाहते हो पहले आप इंडिपेंडेंट हो, देन आप लोग यू नो अपना रोमांटिकली किसी चीज़ को ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। 42 नंबर इंपॉर्टेंट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 444 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, 5 नंबर, आप लोगों की एज 42 हो सकती है या इस पर्सन की एज 42 हो सकती है। स्टेबिलिटी चाहते हो आप इस कनेक्शन में, आप स्टेबल हो रहे हो अपनी इस सिचुएशन में, ठीक है। और देखती हूँ क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, ये कार्ड आ रहा है मैं लेती हूँ।
अटैचमेंट। सो गाइज, आप लोगों के ये पार्टनर्स आप लोगों के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, मुझे लगता है आप लोग भी अटैचमेंट फील करते हो। 555 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चेंज चाहते हो इस कनेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, ठीक है, ताकि आपका एक ये साइड ख़त्म हो, नेक्स्ट जो है आप लोगों का अच्छा फेस स्टार्ट हो। मुझे लगता है नाइन ऑफ स्वॉर्ड, ये जो मेरे व्यूवर्स आप लोग देख रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी आपकी भी है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, आपको लगता है आपका इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, आपको लगता है आपकी शादी ही नहीं होगी। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो, देन पॉजिटिव ही होगा। यूनिवर्स से आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली होगा, ट्रस्ट में, करके देखें आप लोग ऐसा, और जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। 23 ऑल टाइड अप, इस टाइम ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टक है। ये पर्सन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहा, इसलिए अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। ये पर्सन को लगता है ये कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, या हो सकता है इस टाइम किसी ने इसको कंट्रोल किया हुआ, ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन है जहाँ से ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा। अब वो फैमिली प्रेशर भी है, थर्ड पार्टी का प्रेशर भी हो सकता है, या लाइक ये पर्सन मैरिड हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहा, एंड यहाँ पे है डोर टू वैल्यू। सो ये पर्सन इस टाइम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे काम कर रहा है, फाइनेंसिस एंड करियर पे काम कर रहा है। आपके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फाइनेंसिस एंड करियर पे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में मनी चाहता है। आप लोग देख रहे हो डोर टू वैल्यू, कि इस पर्सन की लाइफ स्टेबल हो और ज़्यादा सा मनी इसके पास आए। यहाँ से है डिसीट, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको कोई ना कोई धोखा तो ज़रूर दिया है। इस पर्सन की या आप लोगों की एज 25, 42, 31, 23 हो सकती है, ओके। 555, 444 आप लोगों के लिए नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया लाजमी, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत हैवी वाला चीट किया है, बट आप लोगों ने डिसाइड नहीं होना। जो इस पर्सन ने डिसीट किया है, अब आपके साथ अटैचमेंट फील करता है, ठीक है, उस चीट की वजह से ही अब ये पर्सन उस चीज़ों को ठीक करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, हैप्पी फैमिली चाहता है, केयरिंग कनेक्शन आपके साथ फील कर रहा है, आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहता है। चलें मैं देखती हूँ अब आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। कम्युनिकेट क्लियरली, सो आपने इस पर्सन से कम्युनिकेट क्लियरली करनी है, ठीक है, आपको कहा जा रहा है देयर इज़ समथिंग बेटर, सो आप लोगों के लिए कुछ बेटर है, डिवाइन ने आप लोगों के लिए कुछ बेटर प्लान किया हुआ है, सो स्टे पॉजिटिव एंड हैव फेथ, अपने आप को बैलेंस करें बस, सक्सेस आप लोगों के लिए सक्सेस आ रही है गाइस। प्रेयर्स विल हेल्प दिस सिचुएशन, आप लोगों ने प्रेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना प्रेयर करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो भी सिचुएशन है वो बेटर होगी, आपकी हेल्प कर सकती है प्रेयर्स, जो भी आप लोग मैनिफेस्टेशन करोगे। ट्रस्ट, सो आप लोगों ने ट्रस्ट रखना है, डिसहार्ट बिल्कुल भी नहीं होना। एंड लास्ट, स्टेडी प्रोग्रेस, आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पे कुछ स्लो प्रोग्रेस थी, बट अब उनकी प्रोग्रेस जो है स्टेडी हो रही है, ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो रहे हो यहाँ पे। शायद कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं और अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, डैट्स वाई यहाँ पे आया है स्टेडी प्रोग्रेस। आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस खुद भी स्टडी करने की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों ने स्लो बिल्कुल नहीं होना, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, प्रेयर्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप लोगों की सक्सेस आएगी और अच्छा आप लोगों के लिए आगे होगा। एंड गाइज, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग यूज़ करो। योर थॉट इज़ एन इन्वेस्टमेंट डैट पेज, सो इन्वेस्ट वाइजली, सो लिव विद लव, पीस एंड हारमोनी। आप लोगों ने ये चीज़ों पे फोकस करना है, लव, पीस एंड हारमोनी पे इंटरेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लव, पीस और हारमोनी लेके आएँ। इन्वेस्ट करें आप लोग पॉजिटिव थॉट्स पे, तभी आप लोगों की वो चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। लव अट्रैक्शन में ये कार्ड भी लूँगी। एंड यहाँ से है वेट, सो आपको गाइज वेट करना पड़ सकता है, गुड फॉर्चून आप लोगों के लिए आ रही है, सो स्टे पॉजिटिव एंड थिंक्स गुड। सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग थी, कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।